गुड इवनिंग एवरीवन। बाय द वे माहौल आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगेन बाय द वे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो देखी और मुझे काफ़ी सारे उन लोगों ने बोला कि मैं एक्चुअली बाय द वे ये बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं ये आज के वीडियो में ये तो ना बोलूँ, एक बार तो बोल चुका तो वापस ना बोलूँ। वैसे आज मैं और ये भौरिया काले बुर्गों वाली हम दोनों आए हैं हवा महल। हाँ, जस्ट हमारे पीछे, एक्चुअली मजाक है, हम हवा महल नहीं आए, हम हवा महल के सामने दो कैफ़े हैं, एक तो विंड व्यू है और एक टैटू कैफ़े है, तो हम वहाँ का मज़ा लेने आए हैं। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ, वहाँ जाके हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे कॉफ़ी के साथ। रश अगेन अल्टीमेट है, जैसा हम आमेर गए थे ना उसकी तरह यहाँ पे भी बेहतरीन वाला रश है। सो गाइस, सीन्स इज लाइक हम बैठे हैं टैटूज कैफे में, मतलब नहीं टैटूज कैफे नहीं है, विंड व्यू कैफे, और इसके पास वाले में तो स्पेस ही नहीं था। यहाँ पे बाहर देखो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, अल्टीमेट भीड़ चल रही है, मतलब स्पेस ही नहीं, अगर हमारे को बाहर वगैरह बैठना है ना, जगह ही नहीं यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो तो भैया अपना बुकिंग करवा लेना सो देट आपको जगह मिल जाए। अभी सैंडविच मंगाया है, कोल्ड कॉफ़ी मंगाया है, तो उसका हम थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, खाएंगे, देन उसके बाद हम बाहर जाएंगे। पर पता नहीं क्यों इतना रश डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इंसान कहीं जा ही नहीं सकता है। सो इफ़ आई गो आउटसाइड देन आई विल शो यू दैट कि बाहर से ये किस तरीके से लगता है, बाहर के नज़ारे क्या होते हैं। तो हम पहले अपने ऑर्डर का वेट करेंगे, उसका मज़ा लेंगे, खाएंगे, फिर बाहर का आपको नज़ारा दिखाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। भाई लोग वी आर डाउन, मतलब पहले हम ऊपर की साइड थे और अभी हम नीचे हैं, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी हवा महल। वैसे टैटूज कैफे में तो जगह नहीं थी, तो वी वेंट इन टू द विंड व्यू कैफे, जहाँ पे सैंडविच वगैरह बहुत ऑसम था, टेस्टी था, मेरे को तो मज़ा आया। बट यही है कि यहाँ पे रश काफ़ी होता है इवनिंग टाइम पे बिकॉज ऑफ द टूरिज्म, जो कि काफ़ी बेहतरीन है अभी जयपुर के अंदर। और ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, जिसको हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो सीधे निकलना है हमारी बाइक की तरफ। अपार्ट फ्रॉम दिस मज़ा काफ़ी आया, अभी बहुत कुछ है। अभी पहले हम जा रहे हैं हमारी बाइक की तरफ, बाइक हमारी पार्क है जस्ट नियर टू मेट्रो स्टेशन, तो अभी हम हमारी बाइक को करते हैं पिक, देन उसके बाद पहले निकलेंगे हम घर, क्योंकि हम वैसे तो आए थे दावत के अंदर, बट हमें मनमोजी इंसान, मैं और ये मेरी बेगमड़ू है ना, तो अभी हम पहले जाएंगे खाना वाना को लपकाएंगे जो दावत में बना है। फिर उसके बाद आई विल शो यू टू प्लेसेस जो कि नाइट में घूमने के लिए बहुत ऑसम है, एंड मतलब दो में से एक जगह आप बैठ सकते हो, और जो दूसरी जगह है वो राइड के लिए बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पर लाइटिंग अभी जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है। तो अभी मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद थोड़ी देर में आपको वापस से मिलूँगा। तो भाई लोग, मैं जो लाइटिंग वाली जगह के बारे में बता रहा था जहाँ पे राइड करने का अलग ही मज़ा है, तो ये सामने फ्लाईओवर है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, मतलब आप बोल लो कि इंडियन फ्लैग का जो कलर होता है उस कलर के साथ पूरा डेकोरेटेड है। तो अभी मैं इस रूट पर आता हूँ राइड के लिए, तो डेफिनेटली आई विल शो यू। अभी तो अपन को भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। वो जो दूसरी जगह थी बताने वाली कि कौन सी जगह थी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं लाइटनिंग के लिए, वो नेक्स्ट का भी ब्लॉग के अंदर मैं कवर करूँगा, क्योंकि आज अपने पास बचे हैं सिर्फ 10 मिनट और यहाँ पे मामू ने पकड़ लिया है किसी को, अपन तो निकलेंगे, अपने पास टाइम कौन ही आज का। तो भाई लोग, रोड को चीरते हुए अपन आ चुके हैं टॉक रोड, और ये मेरे लेफ्ट एंड साइड पे है हेलमेट पॉइंट,
जहाँ से अपन को खरीदने का है एक हेलमेट, तो जब खरीदेंगे तब आएंगे इधर। और ये तोतों को और काम करना पड़ेगा यार, फायदा ये तो ख़त्म कर ही दिया, अब ये तो भी ख़त्म करेंगे। अब यहाँ से अपन देंगे राइट एंड साइड, फिर उसके बाद पहुँचेंगे सीतापुरा जहाँ अपना ऑफिस है, एंड आप लोग मिलेंगे फिर उसके बाद अनदर ब्लॉक के अंदर। सो धन्यवाद आप सभी का, और यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर से हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ठीक है भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।